नमस्कार, राम राम सभी को। मैं सोनाली फोगाट, आप लोग मुझे देख रहे हैं देसी फीड पे, और मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहती हूँ कि आप रुबीना जी को सामने आपने बरत के नहीं देखा, उनको मैंने बरत के देखा है 1 महीने 33 दिन उनको तो, और मैंने क्या पाया है। मैं भी उनकी फैन थी, मेरे घर में भी सब उनके फैन थे रुबीना जी के। मेरी माँ उनका शो देखती है, मेरी बेटी उनको पसंद करती थी और मैं भी करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ क्योंकि 33 दिन मैंने उनके फरेब को झेला है, उनके धोखे को, उनके बनावटीपन को झेला है। लेकिन अगर लोग उसी को देखना चाहते हैं और उसी के फरेब को देखना चाहते हैं शो में, उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो ये उनकी सोच है, बिल्कुल देखें और उनको जितवाएं। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, उनको जितवाएं, खूब वोटिंग करिए और उनको ट्रॉफी लेते हुए आप देखेंगे, क्योंकि ये शो जो है वो असली व्यक्तित्व को दिखाने का है। इतना जरूर कहती हूँ, उनका व्यक्तित्व वही है, एक चालाक लोबड़ी की तरह अपना खेल खेल रही है वो, और ये उनका असली व्यक्तित्व यही है और वो जरूर ट्रॉफी लेके जाएगी। और ट्रॉफी अगर उनको मिली तो आप ये मेरी बात पे विश्वास करना कि उनसे फरेबी कोई नहीं है शो में, बाकी सब में। काफी उतार चढ़ाव देखने मिला, कुछ अच्छे पल तो कुछ बुरे पल भी देखने मिले, तो कुछ जानना चाहेंगे उस बारे में आपसे? बिल्कुल, अच्छे पल भी थे और कुछ थोड़ा बहुत बुरा पल भी मैंने महसूस किया वहां पे। अच्छे पल मैं कहूँगी कि जैसे मेरे एंट्री हुई वहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो बिग बॉस जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जाता है, उसमें एंट्री होना ये खुशी की बात है। दूसरा, वहाँ पे मैं गई तो मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट उन लोगों के द्वारा मिली, तो सबने बहुत ही मेरा ख्याल भी रखा और सबसे मेरी अच्छी दोस्ती भी रही और अभी भी है सब लोगों के साथ। और घर के अंदर कुछ लोगों ने अपना गेम को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें मुझे टारगेट किया, जिसमें 2-3 इशू भी निकल के आए बाहर, तो वो सब चीजें घर के अंदर। तो आपसे जानना है आपके वर्स्ट मोमेंट कौन से थे घर में, मतलब काफी झगड़े भी हुए हैं, तो सब ऐसा, मतलब ऐसा मोमेंट जो आप भूल जाना पसंद करेंगे? एक जैसे कि मुझ पर इल्जाम लगाया, रोटी का अपमान किया, तो उसमें मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि रोटी का अपमान हर रोज उनके द्वारा होता था। वो लोग एक बाइट नहीं, 15-15 रोटियां डस्टबिन में डालते थे। उसका कारण ये था कि जैसे कि अगर मेरे को घर में अगर मेरा रोटी प्लेट में बच जाता, वैसे तो मेरा खाना कभी नहीं बचता, मैं उतना ही लेती हूँ जितना खाती हूँ, और हम घरों में बच जाता तो हम किसी जानवर को डालते हैं, कुत्ते को, गाय को, भैंस को, हम दे देते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं अनाज और वेस्ट जो होता है वो हम जानवरों को डाल देते हैं। लेकिन बिग बॉस का घर ऐसा है कि वहां से हम बाहर जाके किसी को नहीं दे सकते, वो एक जगह हमें स्टोर करना ही पड़ता है वेस्ट खाना जो होता है। और उसमें जो पहले से मैं देखा उनको जो नियम बना हुआ था, 2 डस्टबिन किचन में रखे हुए थे, एक गीला वेस्ट और एक सूखा वेस्ट, जो जिसमें हम सब्जियों के छिलके और दाल चावल बचा हुआ, बची हुई रोटी उसमें डालते थे। और उसमें जैसे घर की जो मुख्य सदस्य अपने आप को जैसे महारानी की तरह ट्रीट करती है रुबीना जी, उन्होंने भी 15 रोटी मेरे सामने कई बार डाली, कभी 10 रोटी, कभी 15 रोटी, कभी 3, कभी 4, जब मतलब खाने का अपमान नहीं हो रहा था जब उन्होंने डाली थी। और अगर वो कहती हैं कि उस दिन राशन कम था, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि बिग बॉस ने हमें एक टास्क दिया था जिसमें एक टीम के लीडर राहुल थे, एक टीम की रुबीना जी थी, तो उस टीम के लिए जीत राहुल की टीम की हुई थी, 157 और 133 में इतने नंबरों में डिफरेंस था, तो जीत सब दिख रही थी। लेकिन बिग बॉस ने कहा था अगर जल्द फैसला नहीं लेंगे तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, तो एक तरफ तो 10 लोगों को खाने से महरूम रखा रुबीना जी ने टास्क को रद्द करवा के, उनका ईगो हर्ट ना हो, राहुल उनसे आगे ना बढ़ जाए, राहुल की जीत ना दिखे, उसके लिए उन्होंने वो टास्क रद्द करवाया, जबकि साफ साफ दिख रहा था कि टीम राहुल की जीत हुई है, लेकिन खाना का निवाला उनकी वजह से किसी को मिला ही नहीं। तब रुबीना जी के सिद्धांत कहाँ गए थे? लेकिन मेरी एक बाइट, उसका रीजन था डालने का, 2 रीजन थे। पहला तो अर्शी खान मुझे टारगेट कर रही थी और मुझे बार बार मेंटली टॉर्चर कर रही थी, जिससे मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं रो रही थी और खाना खा नहीं पाई। और वो एक बाइट जब बचा, मैंने कोशिश की कि मैं उसको खा लूं, क्योंकि पेट में तो भूख लगी थी, तो मैं दाल चावल नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी, मजबूरी होती तो खाती थी, जब रोटी एक हिस्से मेरे आई थी तो मैं वो खा रही थी।
लेकिन जब मुझे उसने बिल्कुल हद पार कर दी तो वो मुझसे थोड़ा बचा, बहुत गुस्सा उठा तो वो मैंने छोड़ दिया। दूसरा नियम जो बिग बॉस के घर का था कि खाने की प्लेट जो है, हम लोग जो बचा हुआ खाना है उसे गीले वाले डस्टबिन में डाल के अपनी प्लेट को पानी से निकाल के धरते थे, और वो जो जो साफ करने वाला होता था बर्तन, उसको गंदा फील ना हो उसके लिए ये नियम बनाया हुआ था। तो उसमें देखिए, इसको पूरे मामले को अच्छे से जाने, तो इसमें मैं गलत नहीं हूँ, मैंने खाने का अनादर नहीं किया, मैंने बिग बॉस के घर का नियम जो था वो फॉलो किया कि वो खाना कहाँ जाएगा जो बचा हुआ है। और अगर रूबीना कहती है कि उस समय बचा हुआ खाना तो हो ही नहीं सकता, खाने की कमी थी, तो आपने टास्क क्यों रद्द करवाया, उसका जवाब मुझे दे। यस मैम, फिर आपसे जानना चाहेंगे अली के गेम के बारे में। जासमीन मतलब जाने के बाद अली काफी टूट चुके, आपने करीब से भी देखा होगा अली से, अली को, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, जब जैस्मिन घर से बाहर हो गई थी, हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जैस्मिन जाएगी, हमें लगता था अभिनव जाएंगे, क्योंकि अभिनव कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ रुबीना जी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जैस्मिन चली गई, तो उससे हम सबको दुख, और अली तो बिल्कुल ही टूट चुका था, उसको लगता था कि उसकी जो है जैस्मिन और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे के बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए, तो वो देखा हमने अली को वहाँ पे, उसका दुख हमें दिखा, तो अली लेकिन बाद में समझा और उसको लगा कि हाँ जैस्मिन अगर चली गई है तो उसने स्वीकार किया और वो आगे खेलेगा अच्छा और आगे बढ़ेगा। तो आपके और अली को लेके काफी बात भी उठी थी कि आप अली को पसंद करते हो, मतलब उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। हाँ देखिए, ये था कि एक हम की पर्सनैलिटी का जो पर्सन हमें दिखता है तो हम उसको कैसे पसंद करते हैं, ये वो मामला था। और अगर हम एक जगह काम कर रहे हैं या एक माहौल में रह रहे हैं, एक सर्कल हमारा बना हुआ है, तो बिग बॉस का घर था उसमें सबसे अच्छा मुझे अली लग रहा था, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही थी, जिस तरह से मैं धर्म जी को पसंद करती हूँ, धर्म जी के लिए हम सब हरियाणा पंजाब के लोग पूरी तरह से पागल होते हैं कि उनके लिए हम मतलब उनको के लिए उनसे बात करने के लिए, और हमने किया भी है, मैंने किया है, मेरे भाई ने भी किया, मेरा भाई भी पागल है बिल्कुल धर्म जी के पीछे, तो मैं धर्म जी से बातचीत करती हूँ, उनसे मिलती भी हूँ। सलमान जी की बात जो मैंने शो में सरेआम कही है कि मैं सलमान जी को बहुत पसंद करती हूँ। फिर अली की बात आई, अली देखो घर के माहौल में मुझे मेरी केयर भी कर रहा था, मेरे साथ बातचीत कर रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रहा था, और जो इंसान मेरे सामने था, क्यों ना कहूँ कि मैं अली को पसंद करती हूँ, तो उसको गलत तरीके से क्यों लिया गया, गलत तरीके से इसको लिया गया। मुझे पता है जैस्मिन और अली की जोड़ी है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके बावजूद मैंने कहा ना अली मुझे पसंद है, तो मैं जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जो मुझे बोल रहे हैं कि ये तो बुढ़िया है, वो उसका बेटा है, बेटे की उम्र का है, उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कितने घटिया विचार रखते हैं आप लोग, कितनी गंदी सोच है आपकी, क्या आप इस मेरी उम्र में नहीं आएंगे, और क्या आपको कोई पसंद आ गया उस समय तो सालों बाद आप याद करोगे, अरे सोनाली थी वो पसंद कर रही थी तो वो गलत थी, लेकिन तुम पसंद कर रहे हो। किसी को कोई पसंद आ जाता है तो उसमें एज का कोई मैटर नहीं करता, आप किस एज में है, आप किसी भी एज में किसी बच्चे को भी पसंद कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग को भी पसंद कर सकते हैं, किसी यंग को भी पसंद कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो घटिया लोगों की घटिया सोच है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे फैंस ने मुझे बहुत सारा दिया है और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि मैं आगे बढ़ूँ, और उन्होंने वोटिंग की, मैं 4 हफ्ते तक टिक पाई, अगर वो वोट नहीं करते, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं 4 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते में बाहर आ जाती। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा मैम आपसे कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है? वो रुबीना जी हैं, वो सीक्रेटली ही करती हैं, क्योंकि वो गेम में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही है, और जैसे हम उनको एक सिद्धांतवादी महिला के रूप में पर्दे पे देखते हैं, लेकिन वो उनके बिल्कुल उल्टा है, बिग बॉस के घर में हमने देखा है। और जब वो कलर का फेस है, कलर के लिए कई शो करती है, तो कलर्स का ही शो है बिग बॉस, तो बिग बॉस अपने किसी ऐसे चेहरे को गलत बिल्कुल नहीं दिखा रहा, उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ही दिखा रहा है, और 24 घंटे के अंदर जो पॉजिटिव जो करता है लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उनके बारे में लोगों की राय बन चुकी है एक अच्छी सोच की महिला की, तो वो ही बिग बॉस दिखा रहा है, क्योंकि बिग बॉस भी शो अपने आप को मतलब आगे बढ़ाना चाहता है चैनल,
तो उसके लिए ये गलत भी नहीं है, अगर चैनल अपने शो को आगे बढ़ाना चाहता है, उसकी टीआरपी बढ़ाना चाहता है, जो लोग देखना चाहता है वो चाहते हैं वही दिखा रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें किसी जिस तरह से मैं झेल के आई हूँ, मैंने बाहर से रूबीना जी को वैसे ही देखा था कि वो एक अच्छी सोच की महिला है और बड़ी आदर्शवादी है ये, और मैं उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी जाने के बाद, और उसके साथ मैं सोचती थी मेरी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि मेरी सोच भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो वो बिल्कुल उल्टा था, वो मुझसे इनसिक्योर हो गई और मुझसे बात करना कम कर दी थी उन्होंने, मुझसे मतलब अलग हो जाती थी वो, उनको मुझसे इनसिक्योरिटी फील होती थी कि वो कि मैं सच में मतलब नियमों पे चलने वाली हूँ। और मैं जब चलते हुए उनको दिखी तो उनको लगा कि वो गेम में, अगर मैं अपने आप को आदर्शवादी दिखाती हूँ तो गेम में मैं पीछे रह जाऊंगी और गेम की मेरी चालाकियाँ और मेरा फरेब है वो सबको नजर आएगा। तो उन्होंने अपना जो चालाकपन है और अपना फरेबीपन है और जो धोखा वो टास्क में बार बार देती हैं, तो वो ये चीजें शायद कम देख पाते हैं लोग। तो लास्ट आपसे जानने, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है जीत सकता है, ऐसा कौन है? इसके लिए कहना चाहूंगी कि मैं 3-4 लोग हैं जो इसमें, मैं पूरी तरह से तो नहीं बता सकती ट्रॉफी कौन ले जाएगा, इसमें तो बाद में जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बना पाई है रूबीना जी, और जिनका जो फरेबीपन है, घमंडीपन है, वो नहीं दिखाया गया, बहुत घमंडी महिला है। घर का एक एक कंटेस्टेंट यही कहता है बहुत घमंडी है, जिसने आपने राहुल के मुंह से सुना होगा, एजाज के मुंह से सुना होगा, अर्शी खान के मुंह से आप रोज ही सुनते होंगे, और आजकल राखी के मुंह से भी सुन रहे होंगे आप। तो एक आदमी गलत हो सकता है, सोनाली फोगाट गलत हो सकती है, लेकिन 4-6 आदमी गलत नहीं हो सकते। उस सबकी राय, यहाँ तक विकास गुप्ता की भी राय उनके बारे में यही कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है और अपने आप को कहती कि मैं ही बिग बॉस हूँ, मैं महारानी हूँ यहाँ की। तो वो उसको पॉजिटिव जब शो दिखा रहा है और पॉजिटिव दिखा रहा है और वो हर फरेब को करते हुए आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ट्रॉफी कहीं ना कहीं उन्हीं के हाथ में आने वाली है। सो लास्टली एक मैसेज आपके फैंस को जो आपको इतने दिन से मतलब सपोर्ट किए हैं, मतलब काफी ज्यादा पसंद किए आपको, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज देना चाहती हूँ, देखिए जो मुझे जिन्होंने समझा है वो तो समझ ही लिया है, और जिन लोगों ने मेरे लिए पॉजिटिव मैसेज किए हैं, कमेंट्स किए हैं, जो वोट किया है, वो तो मुझे समझते ही है मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहती हूँ कि आप रूबीना जी को सामने आपने बरत के नहीं देखा, उनको मैंने बरत के देखा है 1 महीने 33 दिन उनको, तो और मैंने क्या पाया है। मैं भी उनकी फैन थी, मेरे घर में भी सब उनके फैन थे रूबीना जी के, मेरी माँ उनका शो देखती है, मेरी बेटी उनको पसंद करती थी और मैं भी करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ क्योंकि 33 दिन मैंने उनके फरेब को झेला है, उनके धोखे को, उनके बनावटीपन को झेला है। लेकिन अगर लोग उसी को देखना चाहते हैं और उसी के फरेब को देखना चाहते हैं शो में, उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो ये उनकी सोच है, बिल्कुल देखें और उनको जितवाएं। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, उनको जितवाएं, खूब वोटिंग करिए और उनको ट्रॉफी लेते हुए आप देखेंगे, क्योंकि ये शो जो है वो असली व्यक्तित्व को दिखाने का है। इतना जरूर कहती हूँ, उनका व्यक्तित्व वही है, एक चालाक लोबड़ी की तरह अपना खेल खेल रही है वो, और ये उनका असली व्यक्तित्व यही है, और वो जरूर ट्रॉफी लेके जाएगी। और ट्रॉफी अगर उनको मिली तो आप ये मेरी बात पे विश्वास करना कि उनसे फरेबी कोई नहीं है शो में, बाकी सीधे। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।